पीसीबी लेआउट डिज़ाइन। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, पीसीबी डिज़ाइनिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप था किसी भी पीसीबी का या किसी भी सर्किट की हेल्प, हमारे पास कोई सर्किट डायग्राम है उसका पीसीबी लेआउट तैयार करना। तो अभी सपोज हम बहुत छोटे से स्टार्ट करते हैं, कुछ छोटे छोटे से सर्किट्स जो हम पिछली क्लासेस में ब्रेडबोर्ड पर इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं, हम उनसे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा सर्किट से हम सीधा अगर स्टार्ट करें तो आपको समझ में शायद ना आए। तो ये हमारा सबसे पहला सर्किट है डार्क सेंसर, ये उसका सर्किट डायग्राम है, इसको हम वेरीफाई कर चुके हैं ब्रेडबोर्ड पे। इसका पीसीबी लेआउट हम बनाते हैं। यहाँ पे करना कुछ नहीं होता, हमें अपने डायग्राम को ही फॉलो करना होता है लेआउट डिज़ाइन करते टाइम। तो सबसे पहले एक पेपर पे आप हाथ से उसका लेआउट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस लेआउट को कॉपर क्लैड बोर्ड पे अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर आप बाय हैंड अपना लेआउट बना रहे हैं, यानी बाय हैंड अगर आप पीसीबी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप लेआउट तैयार करके पहले पेपर पे हम रफ लेआउट उसका बना लेंगे, उसके बाद उसी लेआउट को फिर हम कॉपर क्लैड बोर्ड पे मार्कर की हेल्प से ड्रॉ कर देंगे एंड उसकी इचिंग करा देंगे। तो इसका लेआउट हम बना रहे हैं, उसको बनाने से पहले कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कराऊंगा आपको एक्सप्लेन करते हुए। तो यहाँ पे जो भी लेआउट या डिज़ाइन हम तैयार करेंगे, वो आपको कल भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, वो कॉपर क्लैड बोर्ड के नीचे की तरफ होगा, यानी बॉटम साइड में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कॉपर क्लैड बोर्ड है, ये मेरा कॉपर क्लैड बोर्ड है। तो जो भी डिज़ाइन हम बनाने जा रहे हैं वो इस तरफ हम ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पे है, इसका लेआउट मैंने पहले बनाया होगा, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया और इसके टॉप साइड से हम कंपोनेंट्स इंसर्ट कर देंगे। इचिंग कराने के बाद में होल्स करके हम ये कंपोनेंट्स इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं आगे लेआउट को। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम है और ये उसका एक बैटरी सोर्स है। ठीक है, तो आप कहीं भी अपने लेआउट में दिखा देंगे इस टाइप से, और आपका यानी हर किसी का जो लेआउट है वो अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। और पीसीबी लेआउट डिजाइन करने से पहले हम कुछ चीजें आपको डिस्कस कर लें जो कि जरूरी होता है पीसीबी का लेआउट बनाते समय। सबसे पहली चीज ये कि हम जो लेआउट बना रहे हैं या जो पीसीबी डिजाइन कर रहे हैं, पीसीबी का मतलब ही होता है कि हम किसी भी सर्किट को जितना कॉम्पैक्ट बना सके, जितना छोटा बना सके उतना छोटा हम बनाए। तो आप लेआउट जब भी डिजाइन करें, कोशिश रहे कि वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे आपके पीसीबी पे। ठीक है, दूसरा आपके लेआउट की जो सिमेट्री है वो अच्छी हो, ऐसा ना हो कि आपने इतना बड़ा यानी एक ये एरिया आपने ले लिया पीसीबी का, आप इतने बड़े पीसीबी पे इतनी बड़ी हिस्से में आप कोई पीसीबी डिजाइन कर रहे हैं, या आपका इतना बड़ा लेआउट है तो उसके किसी हिस्से में हो सकता है आधे हिस्से में आपने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा लगा रखे हैं और यहाँ पे बहुत कम कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो वो सिमेट्रिकली इक्वल होना चाहिए पीसीबी, यानी जो लेआउट आप बना रहे हैं उसमें कंपोनेंट्स सिमेट्रिकली इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट डेंसिटी, जो लेआउट या पीसीबी हम तैयार करते हैं उसमें कंपोनेंट डेंसिटी बेहतर होनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। कंपोनेंट डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें ये होगा कि बड़ी से बड़ी पीसीबी को आप छोटे साइज में बना पाएंगे। ठीक है, या बहुत बड़े से बड़े सर्किट का आप छोटा सा कॉम्पैक्ट पीसीबी डिजाइन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लेआउट डिजाइन करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा ये बैटरी सोर्स है, आप कहीं भी ले सकते हैं। तो मैंने सपोज ये दो पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे इस टाइप से, और जहां भी मैं कंपोनेंट्स लगाऊंगा या लगाने मुझे होंगे कंपोनेंट्स, वहां उस पर्टिकुलर पार्ट को हम डॉटेड करके दिखाएंगे। ठीक है, डॉटेड, तो उसमें क्या होगा, सपोज मैंने यहाँ पे बैटरी सोर्स के लिए दो कनेक्शंस दे दिए इस टाइप से फॉर एग्जांपल, तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो हम कॉपर क्लैड बोर्ड के नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, और इचिंग के बाद में ये पर्टिकुलर पार्ट रह जाएंगे दो पॉइंट्स, बाकी की कॉपर गल जाएगी। तो उसमें क्या होगा, कॉपर क्लैड बोर्ड के ऊपर से यानी टॉप लेयर से हम ड्रिल मशीन की हेल्प से होल करके यहाँ एक बैटरी का कनेक्टर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे पीसीबी में रेजिस्टर का यूज करना है तो मैं ऐसे दो पॉइंट्स दे दूंगा। ठीक है, इस टाइप से बीच में स्पेस, तो ये पॉइंट्स पर्टिकुलर नीचे की तरफ रहेंगे कॉपर क्लैड बोर्ड के, और उसका जो टॉप पार्ट है यानी टॉप लेयर है वहां से हम होल करके रेजिस्टर लगा देंगे, यानी ऊपर से रेजिस्टर लगेगा और नीचे की तरफ से इन दो पॉइंट्स में उसके टर्मिनल्स की हम सोल्डरिंग करा देंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग से इसको डिजाइन करते हैं।
सबसे पहले सपोज मैंने ये दो पॉइंट्स ले लिए, ये ले लिया और हमने एक ये पॉइंट ले लिया है, ठीक है, इस टाइप से। और यहां हम मार्किंग भी कर सकते हैं क्योंकि वैसे जरूरी नहीं है, बट आप साथ साथ मार्किंग भी करते रह सकते हैं। नीचे बॉटम लेयर पे जब आप पीसीबी डिजाइन करेंगे तो वहां मार्किंग भी कर सकते हैं कंपोनेंट्स की, जिससे आपको याद रहे या पता रहे डिजाइन तैयार करने के बाद में कि आपको कहां पे किस कंपोनेंट को लगाना है, इंसर्ट कहां पे करना है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को। तो सपोज ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव मार्किंग कर दी ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव। उसके बाद आप देखिए हमारे इस सर्किट डायग्राम में एक ट्रांजिस्टर का भी यूज हुआ है। तो ट्रांजिस्टर क्या आपका थ्री टर्मिनल डिवाइस है, उसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। तो मैं कहीं भी यहाँ पे सपोज थ्री टर्मिनल्स ऐसे ले ले रहा हूं, एक ये हो गया मेरा, थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, एक हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, ये हमारे थ्री पॉइंट्स हो गए ट्रांजिस्टर के लिए। तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को ऊपर की तरफ से लगाएंगे और नीचे की तरफ उनके जो तीन टर्मिनल्स होंगे कलेक्टर बेस एमिटर, उनकी सोल्डरिंग हम इन पॉइंट्स पे कर देंगे। तो सपोज इसको हम कलेक्टर मानकर चल रहे हैं, इसको बेस, इसको एमिटर। तो अभी ध्यान रखने के लिए हम हल्का सा मार्क कर सकते हैं, सपोज कलेक्टर, या ये बाद में कर लेंगे हम, पहले हम कनेक्शंस करते हैं अपने। तो उसके बाद आप देख रहे हैं इसी में ट्रांजिस्टर का जो एमिटर टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। तो सपोज इसको हम एमिटर टर्मिनल मान ले रहे हैं, तो ये हमारा बैटरी के नेगेटिव यानी यहां से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, यानी इसको हमने नीचे एक ट्रेस की हेल्प से या एक ट्रैक दे दिया ऐसे, उसकी हेल्प से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इस टाइप से ये हो गया। उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा ले रहे हैं ऐसे, इस टाइप से आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसको ऐसे ले ले रहे हैं इस टाइप से, और इसको भी हमने ऐसे दिखा दिया और ये हमने कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से ये मेरा यहाँ पे एमिटर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। उसके बाद में आप देख रहे हैं इसी में हमारा एक 330 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और एक एलडीआर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे सपोज हमने ये इस टाइप से दो पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम ऊपर की तरफ से 330 के का एक रेजिस्टर लगा देंगे, नीचे से हम सोल्डरिंग करा देंगे और थोड़ा सा ऊपर ले ले रहे हैं उसको, यानी स्पेस थोड़ा सा ज्यादा रख ले रहे हैं, और आप देख रहे हैं इस 330 के रेजिस्टर का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से भी कनेक्ट है। तो मैं इसी पॉजिटिव टर्मिनल को आगे बढ़ा लूंगा ऐसे, उसके बाद मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दे रहा हूं यहां पे। तो 330 के रेजिस्टर का एक टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, उधर यहां पे हमारा एक एलडीआर लगा है। तो ऐसा नहीं है कि एलडीआर, क्योंकि इसमें जब हम कंपोनेंट इंसर्ट करेंगे इस टाइप से, सपोज ये मेरा रेजिस्टर है ऐसे इस टाइप से, तो मैं ऊपर से लगाऊंगा ये टर्मिनल्स में ऐसे मोड़ के होल्स करके इन दो पॉइंट्स पे इस टाइप से लगा दूंगा, ठीक है। तो रेजिस्टर का एक टर्मिनल इस होल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, एक इसके अंदर। उसके बाद मुझे एलडीआर को भी कनेक्ट करना है, तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूंगा एक कंडक्टिव ट्रैक की हेल्प से ऐसे, ये बढ़ा लिया। उसके बाद में मैं एलडीआर के लिए दो पॉइंट्स इसी तरह से छोड़ दूंगा,
ठीक है, तो ये मेरा मार्किंग मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो यहाँ पे 330 के, ये मेरा आइडिया है। उसके बाद में ये मेरे ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल है, इसे मुझे 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ये जो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है, यानी यहाँ पे बेस पे कनेक्ट, सॉरी बेस पे एक रेजिस्टर के अक्रॉस, ट्रांजिस्टर के बेस को एक रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे यहाँ कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब इस होल के अंदर तो हम ऑलरेडी ट्रांजिस्टर का एक टर्मिनल यानी बेस टर्मिनल इंसर्ट करेंगे, रजिस्टर लगाने के लिए आप फिर से इसको एक ट्रैक की हेल्प से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे ऐसे, और मैं ऐसे एक पॉइंट दे दूंगा यहाँ पे और एक में यहाँ दे दूंगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1K का रजिस्टर लगा देंगे, इसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, और यहाँ एक ट्रैक की हेल्प से मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा यहाँ पे 1K का रेजिस्टर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कलेक्टर से एक एलईडी और एलईडी के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो मेरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर कहाँ पे है, ये इसको मैं कलेक्टर मान के चल रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूंगा उसी तरह से ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया हल्का सा और एक यहाँ पास में। हमें ये भी देखना होता है कि हमारे जो कंपोनेंट के टर्मिनल्स हैं, जैसे एलईडी आपने देखा था जब हमने कंपोनेंट के इंट्रोडक्शन किया था, एलईडी के टर्मिनल्स के बीच में स्पेसिंग थोड़ी कम होती है, तो इसलिए हम ये पॉइंट थोड़े पास लेंगे। रेजिस्टर आपने देखा था उसके दो टर्मिनल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, काफी गैप होता है, तो उसके लिए जो स्पेस आप देंगे वो थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। तो यहाँ पे हम एलईडी लगा देंगे, सपोज इस पॉइंट पे एलईडी का नेगेटिव रहेगा तो हम यहाँ एल माइनस करके मार्क कर देते हैं, यहाँ पे एलईडी का पॉजिटिव रहेगा ये हम एल प्लस करके मार्क कर दें इसको, ठीक है। उसके बाद में एलईडी के साथ एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है, तो एलईडी के इस पॉइंट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे फिर से, यहाँ भी ऐसे डॉटेड पॉइंट और एक रेजिस्टर हमें लगाना है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, इसको फिर आगे बढ़ा देंगे हल्का सा, थोड़ा सा और मोटा कर लेंगे, कि हमारे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, बेस है, ये हमारा एमिटर है। तो ये आपने देखा हमारे इस सर्किट का पीसीबी लेआउट तैयार हो गया, ठीक है, सब कुछ देख रहे हैं आपको। यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्ट हो जाएगी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव, यहाँ एलडीआर, यहाँ रेजिस्टर, यहाँ पे ट्रांजिस्टर, एलईडी, एलईडी एंड उसके साथ में एक रेजिस्टर, ये भी आप लिख सकते हैं, ये 1K का रेजिस्टर है, तो यहाँ भी आप मार्किंग कर दें। ठीक है, इस तरह से आप अपना लेआउट तैयार कर सकते हैं।
और जरूरी नहीं है कि सबका लेआउट सेम ही होगा, हो सकता है आप जो लेआउट तैयार कर रहे हो उसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है, यानी एक ही सर्किट के आप बहुत सारे अलग अलग डिजाइन तैयार कर सकते हैं, लेआउट्स बना सकते हैं अलग अलग तरह से, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से उसको बना रहे हैं। हो सकता है मैं इस अपने लेआउट में ये बैटरी सोर्स जो मैंने यहाँ दिया मैं उसको इस तरफ दिखा देता, ठीक है, या हो सकता है मैं बैटरी सोर्स को ऊपर की तरफ ले लो, ट्रांजिस्टर मैंने इस तरीके से लगाया है, ट्रांजिस्टर को मैं यहाँ पे किसी दूसरे तरीके से अरेंज कर देता। कुल मिला के मतलब ये है कि हमारा जो भी लेआउट तैयार कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमारा सर्किट डायग्राम फॉलो होना चाहिए, दूसरा सर्किट का जो लेआउट तैयार कर रहे हैं उसकी सिमेट्री अच्छी हो, सिमेट्रिकली अच्छा दिखे वो, दूसरा कंपोनेंट डेंसिटी बेहतर हो जिससे हमारे छोटे से छोटे पार्ट में, छोटे से पीसीबी पे या छोटे से बोर्ड पे हम बड़े से बड़े सर्किट को बना सकें, यानी बड़ा सर्किट है उसको आप छोटे से हिस्से पे ही बना सकें, ठीक है, कंपोनेंट डेंसिटी इसलिए जितनी ज्यादा होगी पीसीबी को उतना ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, एक तो सिमेट्री अच्छा हो हमारे लेआउट का, पीसीबी लेआउट का, दूसरा कंपोनेंट डेंसिटी हमें बेहतर रखनी है जिससे बड़े से बड़े सर्किट का लेआउट या पीसीबी बहुत छोटे से बोर्ड पे बनाया जा सके। तो ये हमारा लेआउट तैयार है, उसके बाद आप इसमें कुछ चीजें नोट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि मैंने किसी भी ट्रैक को एक सिंगल लाइन से ऐसा नहीं दिखाया पतला सा, मैंने क्या किया है इसको डॉटेड बहुत ज्यादा मोटा मोटा लाइन्स मैंने दिखाए हैं, ये ट्रैक्स यानी जो ये कंडक्टिव पाथ्स हैं या ट्रैक्स हैं इनको मैंने काफी मोटा दिखाया है। तो उसका रीजन ये है कि यानी ट्रैक्स की जो थिकनेस है वो कितनी रखनी है वो डिपेंड करती है सर्किट में फ्लो होने वाले करंट पे। अगर आप इन ट्रैक्स की थिकनेस को यानी मोटाई को या चौड़ाई जो है इनकी उसको बहुत पतला रख देंगे और सर्किट के अक्रॉस अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रही है तो वो हीट होकर बर्न आउट हो जाएंगे यानी ट्रैक जल जाएंगे। आपने कुछ पीसीबीज देखी होंगी इन्वर्टर या जो बहुत ही हाई वोल्टेज और हाई करंट पे ऑपरेट होते हैं पीसीबीज या इस तरह के गैजेट्स, कई बार उनकी पीसीबीज डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, या उनके जो ट्रैक्स होते हैं वो जल जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जिस भी मैन्युफैक्चरर ने वो पीसीबी डिजाइन किया था उसकी करंट उसमें फ्लो होने वाले करंट की रेटिंग के अकॉर्डिंग उस पीसीबी के ट्रैक्स की मोटाई उसने नहीं रखी थी जिसकी वजह से वो ट्रैक जल के डैमेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप घर में आयरन होता है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, उनका केबल आप देखते हैं पावर कॉर्ड, उसकी थिकनेस मोटाई ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है, उसकी मोटाई ज्यादा होती है वायर की, और आप कोई नॉर्मल एलईडी या एक बहुत छोटा सा मोबाइल चार्जर या इस तरह का कुछ यूज कर रहे हैं वहां वायर जो देखेंगे उसकी थिकनेस बहुत कम होती है यानी पतली होती है वायर की थिकनेस। तो वो डिपेंड करता है उस सर्किट या उस पर्टिकुलर अप्लायंस के अक्रॉस फ्लो होने वाले करंट में, यानी उस वायर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वायर की मोटाई रखनी होती है। उसी तरह से पीसीबी में भी इसकी जो थिकनेस होती है इन ट्रैक्स की या इन कंडक्टिव पार्ट्स की वो करंट की रेटिंग पे डिपेंड करती है। उसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको आगे बताया जाएगा, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस थिकनेस को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि किसी सर्किट की थिकनेस हमें कितनी रखनी है। बट नॉर्मली आपको थोड़ा सा मोटा ही रखना होता है, आप ऐसे नहीं है कि सिंगल लाइन का कोई ट्रैक ऐसे बना देंगे, ठीक है, तो थिकनेस थोड़ी सी इन कंडक्टिव पाथ्स की या इन ट्रैक्स की मोटी रखनी होती है हमें। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे मैंने कॉर्नर्स से इसको थोड़ा सा एक एंगल शेप दी है, ऐसा नहीं है कि मैंने मुझे करंट ही तो फ्लो कराना है सर्किट में, मैं चाहता तो इस कॉर्नर को ऐसे दे सकता था इस टाइप से, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा राउंड या एक एंगल शेप दी है कॉर्नर्स से। उसका रीजन ये है कि पीसीबी डिजाइन होने के बाद जब मैं इसका लेआउट कॉपर क्लैड बोर्ड पर डिजाइन होने के बाद जब मेरा पीसीबी डिजाइन हो जाएगा कंप्लीट, उस पीसीबी को अगर मुझे किसी दूसरी बॉडी पे या किसी चेसिस पे कसना हो तो मैं क्या करूंगा, चारों कॉर्नर्स पे होल करूंगा। सपोज मेरा मैंने इतने बड़े हिस्से में पीसीबी बनाई यानी इतनी बड़ी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैंने डिजाइन किया, ठीक है, यानी ये मेरा कॉपर क्लैड बोर्ड है इस पे मैंने एक पीसीबी अपना डिजाइन कर लिया और उसके जो कॉर्नर्स हैं वो मैंने राउंड नहीं रखे, मैंने सीधा ऐसे बना दिया यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है, तो मुझे इस पीसीबी को किसी चेसिस पे या किसी दूसरे बोर्ड पे फिक्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके चारों कॉर्नर्स पे होल करने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे होल करने पड़ेंगे। तो होल करने की वजह से क्या होगा, अगर मैंने इसको राउंड नहीं लिया हुआ है तो अगर मैंने इसको राउंड नहीं लिया है इस तरह से कॉर्नर्स को, तो जब आप इसमें होल करेंगे इसके कॉर्नर्स पे बोर्ड के
तो ये जो ट्रैक है वो डैमेज हो सकता है, इसलिए हम कॉर्नर्स को हमेशा इस तरह की शेप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये एक बोर्ड देख रहे हैं, आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इसमें ये कॉर्नर्स पे आप देखें, ठीक है, तो कॉर्नर्स पे इनकी जो शेप रखी गई है वो एकदम से एक एंगल दिया गया है, उसको स्क्वायर में, स्क्वायर शेप में नहीं रखा है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि जब इस पीसीबी में हम किसी चेसिस पे या किसी दूसरे बोर्ड पे इसको माउंट करेंगे तो उसके लिए हमें कॉर्नर्स पे होल करने होंगे, जिसकी वजह से ये ट्रैक डैमेज हो सकता था अगर हमने इस ट्रैक को यहाँ पे लिया होता। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं इस पीसीबी के चारों कॉर्नर्स पे एक स्पेसिंग दी गई है कि यहाँ पे हम होल्स कर सकें। तो इसलिए आप जब भी अपना लेआउट बनाएंगे उस लेआउट में कॉर्नर्स को आपको इस तरह से रखना होगा, ठीक है। दूसरा वही चीजें जो मैंने बताया, कंपोनेंट डेंसिटी और सिमेट्री का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया है, अगले स्टेप में हम इनको कॉपर क्लैड बोर्ड पे ड्रॉ करके उसकी इचिंग कराएंगे। फायर अलार्म यूजिंग एनटीसी थर्मिस्टर, तो ये और एक छोटा सा सर्किट है जो हम टेस्ट करा चुके हैं क्लैड बोर्ड पे, इसका भी सीधी लेआउट अब हम बनाते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम क्या लेंगे, बैटरी के लिए दो पॉइंट्स आप ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर इसका लेआउट हमें बनाना है, तो हम इसी तरह से बैटरी के लिए दो पॉइंट्स ऐसे लेंगे यहाँ पे, यानी ये जो कॉपर क्लैड बोर्ड होगा उसके बॉटम साइड पे हमें ड्रॉ करना है, नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर से टॉप पार्ट जो होगा बोर्ड का वहां से हम होल्स करके नीचे से इन पॉइंट्स पे बैटरी की सोल्डरिंग कर देंगे, यानी बैटरी के जो कनेक्टर होगा उसकी सोल्डरिंग करा देंगे। सपोज ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या है हमारा एक ट्रांजिस्टर है, वैसे तो हम चाहें इसका जो लेआउट है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, उसी तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला हर किसी का लेआउट अलग अलग आप बना सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कनेक्शन को कहाँ लेना चाहते हैं। तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनाने का, जैसे यहाँ पे हमने ये लिया हुआ है, इनको इस बार हम सपोज इधर ले लें। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक वही उसी तरीके से हमने एक ट्रांजिस्टर दिखा दिया है, यानी ट्रांजिस्टर के लिए हम दो पॉइंट तीन थ्री पॉइंट्स ले रहे हैं यहाँ पे ऐसे, ये हमारा कलेक्टर है, ये बेस, ये हमने एमिटर के लिए ले लिया ऐसे। एमिटर को क्या करना है हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो इस पॉइंट को हम ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे हल्का सा एक ट्रैक की हेल्प से, उसी तरह से इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, हमारा एमिटर टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं, पहले हम इस पार्ट को ले लें, इस पर कलेक्टर पे आप देख रहे हैं एक एलईडी लगी हुई है और एलईडी के साथ में एक बजर लगा हुआ है पैरेलल में, तो कलेक्टर हम इसको लेके चल रहे थे, तो हम क्या करें इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें ऐसे, और सबसे पहले एक एलईडी लगी हुई है यहाँ पे ऐसे,
ये थोड़ा सा डिजाइन आई थिंक गलत हो गया, क्योंकि अभी हमें वो भी दिखाना है, ये वाले पार्ट भी दिखाना है, और मैंने ऑलरेडी अभी से इसका एमीटर का कनेक्शन यहाँ दिखा दिया है, तो इसको हम थोड़ा सा या ऐसे ही रहने देते हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ और ऊपर की तरफ ले लेंगे कहीं। तो ये हो गया हमारा, उसके बाद में हमें क्या करना है, कलेक्टर से एक एलईडी लगानी है, तो यहाँ पे एलईडी का मान लीजिए हमारा एल माइनस लिख दिए, यहाँ एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल हम लगा लेंगे, ठीक है। और इसको हमने आगे बढ़ा दिया ट्रैक को और हल्का सा, फिर से हमने एक ऐसे ही डॉटेड पॉइंट ले लिया, तो यहाँ हमें एलईडी के साथ में सीरीज में जो ये रेजिस्टर लगा है इसके लिए एक स्पेस रखना है। या एक चीज और हम कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लेने के बजाय हम इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं आप साइड में, या ऊपर ही ले लेते हैं, रेजिस्टर का एक टर्मिनल हम यहाँ लगा देंगे, दूसरा सपोज यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, 1K का रेजिस्टर होगा जो कि एलईडी के साथ लगा होगा, यहाँ हमने मार्किंग कर दिया और इसको हमने ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा दिया इस टाइप से। आप देख रहे हैं एलईडी के साथ पैरेलल में एक बजर भी लगा हुआ है, तो बजर के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ कहीं भी दो पॉइंट हम ले सकते हैं इस टाइप से, एक पॉइंट हमने ऐसे ले लिया यहाँ पे और एक यहाँ हमने ये ले लिया, यहाँ हमारा सपोज बजर लग जाएगा, बजर के टर्मिनल्स के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं होता है क्योंकि, तो इसलिए बहुत ज्यादा स्पेस हमें नहीं रखना है, और ये पास में आप ले लेंगे दोनों पॉइंट्स को, ये रख दिया मैंने, या मैं एलईडी के बिल्कुल सामने भी रख सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे जितना स्पेस एलईडी के टर्मिनल्स के बीच में रखा है उतना ही मैं यहाँ रख लूंगा, तो आप देख रहे हैं बजर का नेगेटिव टर्मिनल ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट है, कलेक्टर हम इसको मान के चल रहे हैं सपोज, तो इसे आप यहां पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और बजर का ही वाला जो टर्मिनल है वो आप देख रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इस लाइन को आप एक ट्रैक की हेल्प से ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, ये मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो बजर का ये वाला जो टर्मिनल है हमारा वो नेगेटिव है, इसको हम सपोज B- से दिखा देते हैं, B- एंड दिस वन इज B+, यानी बजर का पॉजिटिव टर्मिनल। ये मार्किंग्स की वैसे जरूरत नहीं होती, बट आप कर सकते हैं जिससे आपको बाद में याद रहे कि आपको अपने जो पीसीबी डिजाइन किया है उसमें कहां पे किस कंपोनेंट को आपने लगाना है, किस कंपोनेंट को कहां प्लेस करना है, ठीक है। तो ये भी हमने आगे बढ़ा लिया, यहाँ हमारा बजर लग जाएगा इस टाइप से ही हो गया, और ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसे भी हम आगे ऐसे इंक्रीज कर लेंगे, इतने कनेक्शंस हमारे पूरे हो चुके हैं। उसके बाद में ये 10K का NDC और 470 ओम का ये वाला रेजिस्टर और बेस पे ये वाला जो रेजिस्टर है उसको हमें और दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा बेस है सपोज, तो सपोज इसको पहले हमने आगे बढ़ाया एक पॉइंट यहां ऐसे ले लिया और थोड़ा सा यहां पे हमने एक ले लिया, तो यहाँ पे सपोज हमारा क्या अब होगा 1K का रेजिस्टर यहाँ लग जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर के बेस पे, और इसको लाइन को थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा लिया, उधर हमें अब 10K NDC और ये 470 ओम रेजिस्टर के साथ में वोल्टेज डिवाइडर
फॉर्म बनानी है, तो हम क्या करें, इस तरह से हम यहाँ ले ले रहे हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ पे ऐसे लिया, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, और एक हमने भी यहाँ ले लिया है, क्योंकि एनटीसी थर्मिस्टर के जो टर्मिनल्स होंगे उनके बीच भी स्पेस थोड़ा कम होगा, तो ये दो पॉइंट्स हम थोड़ा सा पास रखेंगे, यानी क्लोज रखेंगे, इतना ज्यादा स्पेस यहाँ नहीं देंगे, और थर्मिस्टर है उसमें कोई पोलैरिटी होगी नहीं, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप यहाँ शॉर्ट में लिखना टीएच, थर्मिस्टर को इन दो पॉइंट्स पे आप कैसे भी इंसर्ट कर देंगे बोर्ड के टॉप साइड से, और नीचे से सोल्डरिंग हो जाएगी। उसके बाद थर्मिस्टर के इस टर्मिनल पे एक 470 ओम का रेजिस्टर लगा है, तो इसको हम एक ट्रैक की हेल्प से थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे ऐसे, ये मैंने बढ़ा दिया है, और यहाँ पे आप फिर से ऐसे ही एक पॉइंट लेंगे, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट यहाँ ले लेंगे हम, तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमारा क्या लग जाएगा, एक 470 ओम का रेजिस्टर, इसकी भी आप मार्किंग करके रख सकते हैं, 470 ओम, ठीक है, और ये आपको बहुत छोटा छोटा सा लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप मार्किंग कर रहे हैं बहुत सारा साइज पीसीबी में, अननेसेसरी हमें पीसीबी पे साइज सॉरी बोर्ड का जो साइज है वो ऑक्यूपाई नहीं करना है, कम से कम जगह में हमारा काम हो जाए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप मार्किंग करना जरूरी समझते हैं तो ऐसे, और थर्मिस्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं जिससे स्पेस कम ऑक्यूपाई करें हमारा पीसीबी बोर्ड पे, यानी बहुत छोटे से हिस्से में हमारा पीसीबी तैयार हो जाए जिससे उसका साइज कॉम्पैक्ट रह सके। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे, थोड़ा सा आगे लाएंगे, और इसे हम नीचे कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से, ठीक है, ठीक है, हो गया। उसके बाद थर्मिस्टर को थोड़ा सा और, ये वाला जो पॉइंट है थर्मिस्टर का, इसको और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं बेस पे जो रेजिस्टर हमने लगाया था, ये हमारा ट्रांजिस्टर का बेस था, सपोज ये कलेक्टर है हमारा, ये बेस था, और ये वाला पॉइंट हमारा एमिटर था, ये हमारा एमिटर था, तो बेस पे हमने एक रेजिस्टर लगाया था, तो इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लिया था एक ट्रैक की हेल्प से, यहाँ हमारा रेजिस्टर लग गया था, और रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल आप देख रहे हैं, यानी जहां पे ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही थी 10 के एनडीसी थर्मिस्टर और 470 ओम रेजिस्टर के बीच में, वहां पे रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट था इस 1 किलो ओम का, तो यानी यहां हमने 10 के का थर्मिस्टर लगाएंगे, थर्मिस्टर 10 के एनडीसी टाइप में, और यहां से यानी इस पर्टिकुलर ट्रैक पे हमारे 470 ओम रेजिस्टर का एक टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा टर्मिनल ये हमने ग्राउंड कर रखे हैं, यानी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इस पॉइंट पे हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हमारा इस सर्किट का लेआउट बनके तैयार हो गया। ये लेआउट पिछले लेआउट से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इस तरह से आप अपने लेआउट्स बना सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा स्पेस ही
खाली है, ब्लैंक है, तो मैं इसी चीज की आपको बात कर रहा था कि कंपोनेंट डेंसिटी बेहतर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पर्टिकुलर पार्ट में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो थोड़े से कम रह जाए और किसी पर्टिकुलर पीसीबी के हिस्से में, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो ज्यादा हो जाए। तो कंपोनेंट डेंसिटी इक्वल होनी चाहिए पूरी पीसीबी पे, उसकी सिमेट्री एक जैसी हो दिखने में, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, नीचे बहुत बड़ा हो गया और ये मतलब यूजलेस है, कोई यूज नहीं है, कॉपर क्लैड बोर्ड का मिस यूज ही करेगा, ये बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, तो हम इसको छोटा कर दे रहे हैं यहाँ से। तो अब ये डिजाइन हमें सिमेट्रिकली दिखने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही कॉम्पैक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से सर्किट्स हैं, आगे हम कुछ बड़े बड़े सर्किट्स का पीसीबी डिजाइन करेंगे, उसके बाद इन्हीं लेआउट्स को हम कॉपर क्लैड बोर्ड पे, यानी ये छोटे से सर्किट का लेआउट था पीसीबी लेआउट, कुछ बड़े सर्किट का पीसीबी लेआउट हम आगे डिजाइन करेंगे, उसके बाद उन लेआउट्स को हम कॉपर क्लैड बोर्ड पे ड्रॉ करा के परमानेंट मार्कर या नेल पॉलिश वगैरह की हेल्प से, अगर हम बाय हैंड पीसीबी डिजाइन कर रहे हैं तो इनको हम ड्रॉ करेंगे कॉपर क्लैड बोर्ड पे, ठीक है। कॉपर क्लैड बोर्ड की जो कॉपर वाली साइड है यानी बॉटम लेयर है उस तरफ, और उसके बाद हम इसकी इचिंग कराएंगे। तो इचिंग में ये जो लाइंस रहेंगी, ये जो ट्रैक्स रहेंगे जो हमने परमानेंट मार्कर वगैरह से ड्रॉ किए होंगे, वो ट्रैक्स रह जाएंगे, वो ट्रैक्स और ये जो मार्किंग हमने की है ये केवल रह जाएगी उस बोर्ड पे, बाकी का जो पार्ट है वो सब, यानी जो अनडिजायर्ड या एक्स्ट्रा कॉपर है उस बोर्ड पे, वो डिसॉल्व हो जाएगी फेरिक्लोराइड सॉल्यूशन में, अगर हम फेरिक्लोराइड से उसकी इचिंग करा रहे हैं तो, ठीक है। डार्क एक्टिवेटेड स्ट्रीट लाइट, तो ये हमारा सर्किट है जिसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन की जा चुकी है पिछली क्लासेस में, और इसका ब्रेकबोर्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम इसका लेआउट डिजाइन कर लेते हैं, इसका लेआउट किस तरह से डिजाइन होगा। तो पिछले सर्किट्स की तरह, पिछले सर्किट्स का जो लेआउट हमने डिजाइन किया उनमें सिर्फ एक सिंगल ट्रांजिस्टर का यूज हो रहा था और छोटे सर्किट्स थे, बट यहाँ आप देख रहे हैं इसमें दो ट्रांजिस्टर्स हैं और कुछ दूसरे ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ज्यादा हैं। तो इसका लेआउट हम डिजाइन करके आपको बताते हैं किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं लाइक दिस। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं ये बैटरी के दो कनेक्शंस दिए हुए हैं, तो आप दो पॉइंट्स इस तरह से ले लेंगे, ये मैंने ले लिया है ऐसे डॉटेड, और जैसा कि मैंने बताया ये पॉइंट्स या जो भी लेआउट मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ वो कॉपर क्लैड बोर्ड की बॉटम साइड पे हमें ड्रॉ करना होता है, बट पहले हमें उसे रफ किसी पेपर पे बना के देख लेना होता है। यहाँ हम मार्किंग कर सकते हैं, ये सपोज हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। उसके बाद आप देख रहे हैं दो ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है, तो हम यहाँ पे इस तरह से पहले ट्रांजिस्टर के लिए तीन टर्मिनल्स ले ले रहे हैं, यानी फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हम इसको मान लेंगे, इसको बेस, इसको एमिटर। इसी तरह से हम यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर लगा ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस ट्रांजिस्टर का यानी ट्रांजिस्टर T1 का एमिटर टर्मिनल ट्रांजिस्टर T2 के बेस पर कनेक्ट है 1 किलो ओम रेजिस्टर से, तो हम क्या करें इसको इस टाइप से बढ़ा लें थोड़ा सा आगे, यानी ट्रांजिस्टर T2 का बेस हम इसको मान रहे हैं, इसको एक ऐसे कंडक्टिव ट्रैक की हेल्प से थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, बाद आप देखें एमिटर एक रेजिस्टर के थ्रू इसके बेस से कनेक्ट है, तो हम यहां पे एक ऐसे ही डॉटेड पॉइंट दे दें, बीच में फिर थोड़ा सा गैप,
और इसको हम यहाँ से यानी फर्स्ट ट्रांजिस्टर के एमिटर को हम इससे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा कनेक्ट हो गया है। उसके बाद में आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T2, हम इसको मान के चल रहे हैं, इसका एमिटर बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। उसके लिए आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ाएं ट्रैक की हेल्प से, ट्रैक या कंडक्टिव पाथ इस टाइप से आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। सेकेंड ट्रांजिस्टर के एमिटर को भी हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारी एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है, तो वो हम सपोज यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये मैंने एक टर्मिनल ले लिया है, एक मैंने ये ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हमारा 330 की का रेजिस्टर लग जाएगा और ये एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है। नीचे की तरफ एक LDR लगा है, तो इसी ट्रैक को मैं यहाँ से सॉरी इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ ऐसे, और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूंगा। और यहाँ पे मैं फिर से एक ऐसे ही डॉट पॉइंट दे दूँ और एक यहाँ पे। LDR के टर्मिनल्स के बीच में गैप थोड़ा कम होता है, इसलिए मैंने यहाँ गैप कम रखा है। रेजिस्टर्स के जो टर्मिनल्स होते हैं या साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए मैंने यहाँ गैप ज़्यादा रखा है। इसको मैं फिर इसी तरह से नीचे बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा। हमने कनेक्ट कर दिया और आप देख रहे हैं ये 330 की रेजिस्टर का ये वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे ऐसे ट्रैक की हेल्प से। यहाँ हमारा 330 की का रेजिस्टर लग गया, ये हम मार्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका LDR, उसके बाद में आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर T1 का जो बेस है यहाँ पे, ये 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जहाँ ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है वहाँ पे कनेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे नीचे लूँगा बेस को,
से भी एक कनेक्शन होगा इस टाइप से, यहाँ बीच में हम इस पे कहीं पर रेजिस्टर लगाएंगे तो उसके लिए हम ऐसे खाली छोड़ देंगे। तो इसका ट्रांजिस्टर T1 का बेस भी 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस यहाँ जहाँ ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है वहां पे कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर T1 का जो कलेक्टर टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो हम ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर ये है इसको ऊपर ले जाके कनेक्ट कर दे रहे इस टाइप से। हमारी की कनेक्शन भी ओके है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक रिले का कनेक्शन दिया हुआ है, रिले का कॉइल है, रिले की एक कॉइल होगी उसमें उसके ए और बी टर्मिनल्स होते हैं। मैंने पिछली क्लास में जब इसको हमने ब्रेडबोर्ड पे इंप्लीमेंट किया था तो रिले के कनेक्शंस के बारे में आपको बताया था। जब आप रिले को सामने से देखेंगे तो उसमें ऊपर की तरफ 3 टर्मिनल्स होंगे ऐसे और 2 नीचे की तरफ। तो इसमें ये वाला जो टर्मिनल होगा ये रिले के अंदर जो कॉइल है उसके ए टर्मिनल होगा, ये बी होगा, ये वाला हमारा नॉर्मली ओपन होगा जिसे हम एनो बोल देते हैं, ये हमारा एनसी यानी नॉर्मली क्लोज होगा, और ये सबसे ऊपर जो होगा ये हमारा पोल होगा। ठीक है, अब हमें इसमें एक रिले भी यूज करनी है, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। देखिए रिले में ये टर्मिनल्स होते हैं, जब आप सामने से इसको इस तरह से देखेंगे ऐसे करके या अपने फेस की तरफ करके तो ये दो टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, या ऐसे करके देखेंगे आप इस टाइप से करके जब आप देखेंगे इसको फेस की तरफ तो ये हमारा टर्मिनल ए है कॉइल का, ये हमारा कॉइल का टर्मिनल बी है, ये ऊपर से बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा पोल है, और नीचे की तरफ ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिखेगा ये हमारा एनो होगा नॉर्मली ओपन, और ये राइट साइड में हमारा जो दिखेगा आपको ये वाला ये नॉर्मली क्लोज होगा। ठीक है, तो ये टर्मिनल्स होंगे। उसके बाद में एक चीज और, इसमें जो टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं उनके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है, तो आप अपनी मर्जी से इनको कम या ज्यादा नहीं कर सकते लेआउट में जब आप बना रहे होंगे, तो आपको सेम डिस्टेंस पे इसके टर्मिनल्स सॉरी लेआउट में आपको सेम डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स हम दे रहे हैं वो देने होंगे, अदरवाइज ये आपके पीसीबी में इंसर्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रांजिस्टर है, इसमें आप देख रहे हैं 3 टर्मिनल्स हैं, इनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से कितना भी इस तरह से फैला सकते हैं या इनकी डिस्टेंस कम कर सकते हैं, बट ऐसा रिले के केस में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमें ब्रेडबोर्ड में या सॉरी जब आप लेआउट में इसको दिखाएंगे तो इसको दिखाते टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने लेआउट में रिले को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ऐसे सामने की तरफ, आप करके देखेंगे अपने फेस की तरफ ऐसे, तो ये टॉप साइड से ये वाला टर्मिनल जो होगा लेफ्ट साइड वाला वो आपका कॉइल का रिले की जो कॉइल है उसका टर्मिनल ए जिसको हम डीसी सप्लाई देंगे, ये वाला बी टर्मिनल होगा कॉइल का, बीच वाला आपका पोल होगा, और इसी में जब आप सामने से देखेंगे नीचे की तरफ वाला ही ये लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जो होगा वो हमारा एनो होगा नॉर्मली ओपन, और इधर वाला राइट साइड में नीचे की तरफ जो होगा वो हमारा एनसी होगा नॉर्मली क्लोज। आप क्या करेंगे उसके बाद, आप क्या करेंगे, आप रिले को इस तरह से रख लीजिए अपने बोर्ड पे या जो भी लेआउट आप कॉपर क्लैड बोर्ड पे बना रहे होंगे वहां पे। तो हमें जैसे ये अभी आपको दिख रहा है इस तरह से ये ऊपर की तरफ है, आप चाहे तो इस तरह से भी बना सकते हैं,
मैं थोड़ा सा तिरछा कर दे रहा हूँ जिससे कम साइज में ही आ जाए। तो आप इस तरह से रख लीजिए, इसको ऐसे रख के और जहां जहां इसके टर्मिनल्स आपके कॉपर क्लैड बोर्ड को टच कर रहे हैं वहां पे आप इसको मार्क कर लीजिए ऐसे। इस टाइप से आप मार्क कर लेंगे। मैं अभी एग्जांपल के लिए थोड़ा सा दूर ही ले ले रहा हूं इनको, बिकॉज आपको दिखेगा नहीं, बट जब आप इसको कॉपर क्लैड बोर्ड पे डिजाइन कर रहे होंगे आप इस तरीके से रख के मार्क कर लेंगे जहां जहां इसकी पिंस आ रही है। तो अब आप देखें ऐसे, ये वाला टर्मिनल जो होगा, ये वाला पॉइंट आपका पोल होगा, ये आपका ए टर्मिनल होगा कॉइल का, ये बी होगा, ये वाला हमारा एनो होगा नॉर्मली ओपन, ये हमारा नॉर्मली क्लोज होगा। ठीक है, तो इन्हीं को आप थोड़ा सा आप बड़ा कर लें ऐसे। आप यहाँ इस डायग्राम में देखें, ये वाला जब मैंने इसको अभी ऐसे था तो ये ए था, ये बी था, ऐसे कर दूंगा तो इधर वाला ए होगा। ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे हैं कॉइल है तो कॉइल में कोई पोलैरिटी नहीं होगी, आप ट्रांजिस्टर के कनेक्टर से बी को कनेक्ट कर दें या ए को कनेक्ट कर दें, एक ही बात है। तो कॉइल का एक टर्मिनल हमें ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से कनेक्ट करना है और कॉइल का दूसरा टर्मिनल हमें बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो सपोज ये है हमारा ट्रांजिस्टर T2 का कलेक्टर, ठीक है, और हमें इससे इस टर्मिनल को कनेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, तो ये मेरे कॉइल का टर्मिनल बी यहाँ पे मैंने इससे कनेक्ट कर दिया ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, और इसका जो ए टर्मिनल है उसे मैं क्या करूंगा, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, तो मैं इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं। इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं ये जो पोल टर्मिनल है इसका, ठीक है, पोल हमारा एक बल्ब के टर्मिनल से कनेक्ट है और एनो एक पावर सप्लाई से कनेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स को एक अलग से दो पॉइंट्स ले ले रहे हैं हम यहाँ पे कहीं पे, सपोज मैं यहाँ ले ले रहा हूँ और उनसे इनको कनेक्ट करके हम दिखा देंगे। एक मैंने यहाँ ले लिया ऐसे और एक यहाँ ले लिया बड़ा सा, ये मेरा मान लीजिए एनो हो गया, ये पोल हो गया। उसके बाद ये जो पोल टर्मिनल है इसको मैं बीच में से ऐसे निकाल दूंगा यहीं से, मुझे ध्यान रखना है कि इन दोनों के साथ में शॉर्ट ना हो, ठीक है, ये एनो हो गया। मैं यहां भी लिख के दिखा सकता हूं, ये मेरा ए बी था, ये मेरा ए हो गया, ये पोल था, हम मार्किंग कर देंगे जिससे आपको लेआउट डिजाइन करने के बाद में याद रहे कि कौन सा टर्मिनल क्या है या किस कंपोनेंट को आपने कहाँ इंसर्ट करना है। एनो है, ये हमारा रिले का एनसी है, ये हमारे ट्रांजिस्टर T2 का कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है, और ये हमारे यहाँ पे 1K का रेजिस्टर लगा हुआ है। उसी तरह से ये हमारा ट्रांजिस्टर T1 का कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है, और ये 1K का रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा
जो भी लेआउट था, डायग्राम था, उसके अकॉर्डिंग, सॉरी सर्किट डायग्राम था, उसके अकॉर्डिंग हम अपना लेआउट कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार देख ले रहे हैं कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। देखिए सबसे पहले ये बैटरी के कनेक्शंस लिए 330 के और LDR की एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बना दी। एक ट्रांजिस्टर लिया T1, उसका कलेक्टर, बेस, एमिटर। डायग्राम के अकॉर्डिंग कलेक्टर टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और बेस को 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जहां ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही थी डायग्राम में, वहां पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिस्टर T1 का एमिटर टर्मिनल को 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे कनेक्ट कर दिया। तो ये ट्रांजिस्टर T1 का एमिटर है, 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस उसको इसके बेस पे हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ट्रांजिस्टर T2 का एमिटर ग्राउंड है, तो इस एमिटर को हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें एक रिले लगाना था, तो ये इस तरह से रिले हमने यहां पे दिखा दिया उसका सिंबल, और रिले का कॉइल का जो बी टर्मिनल है उसको हमने ट्रांजिस्टर T2 के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग, और ए को बैटरी के पॉजिटिव से, पोल और एनो को, सॉरी मैंने गलत लिखा है, यहां पे मेरा एनो होगा, ये NC होगा। तो पोल और एनो को मैंने यहां अलग से दो पॉइंट्स लेकर के इस तरह से कनेक्ट करके दिखा दिया है। तो यहां पे PCB जब मेरा डिजाइन हो जाएगा, यहां पे मैं नॉर्मली दो वायर्स की या किसी कनेक्टर की सोल्डरिंग कर लूंगा और वहां से मेरे बल्ब का कनेक्शन हो जाएगा PCB में। उसके बाद अब हम इसे कॉपर क्लैड बोर्ड पे ड्रॉ करके देखेंगे, उसके बाद इचिंग करा के आगे हम उसकी सोल्डरिंग वगैरह करके कंप्लीट PCB डिजाइन करेंगे। उसके बाद हमने जो लेआउट्स अभी तक बनाए एक रफ पेपर पे या वाइट बोर्ड पे, आपको एक्सप्लेन किया किसी भी सर्किट डायग्राम का लेआउट बनाना, उसके बाद आप उस लेआउट को परमानेंट मार्कर की हेल्प से कॉपर क्लैड बोर्ड पर ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन कॉपर क्लैड बोर्ड पर ड्रॉ करने से पहले आपको जिस भी साइज का PCB चाहिए होगा उस साइज का आप इसमें से कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के लिए आप इस टाइप का एक ब्लेड आता है लोहे वगैरह को कट करने के लिए, आयरन वगैरह को कट करने के लिए, या तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ करके आपको जो भी साइज चाहिए वो आप कट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऑलरेडी कुछ छोटे साइज में कट की हुई है, बट इससे भी इजी तरीका एक ये हो सकता है। स्केल कि आप एक स्केल की हेल्प से इस तरह से मार्कर लेकर के ऐसे बना लें, मार्क कर लें जितना भी आपको कट करना है, और फिर एक इस तरह से शार्प स्क्रू ड्राइवर लेकर के उसको घिस दें हल्का सा। एक निशान आ चुका है, ठीक है, एक स्पॉट, आप ये यहीं से इजीली टूट जाएगा इस टाइप से, ये टूट गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जो कॉपर क्लैड बोर्ड है इस पे कुछ स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स या कुछ ऐसे स्क्रैचेस वगैरह। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे अपना लेआउट और जब इचिंग कराएंगे तो हो सकता है इचिंग में ये जो पर्टिकुलर धब्बे हैं या स्पॉट्स हैं ये इच ना हो पाए, यानी डिसॉल्व ना हो पाए, उस पर्टिकुलर जगह पे भी कॉपर रह जाए। तो उसके बाद अपने साइज की जो भी आपको PCB डिजाइन करनी है जिस भी साइज में, वो कट करने के बाद आपको सेकंड ये करना है कि इस टाइप का एक स्क्रबर लेकर के पानी की हेल्प से इसको अच्छे से रब करके घिस के साफ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है मेरा, इसको मैं ऐसे करूँगा और अच्छी तरह से ऐसे क्लीन कर लूंगा इसके। अब ये देखें, ये एकदम से अब क्लीन हो चुका है आपका, और इसके ऊपर जो पानी है, वाटर है, उसको मैं किसी डैमेज क्लोथ की हेल्प से, कपड़े की हेल्प से सुखा लूंगा।
ऐसे कोई भी क्लोथ लेकर के मैं उसको अच्छे से पहले ड्राई कर लूंगा, सुखा लूंगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से ड्राई कर चुके हैं, ये हम साइड रख देते हैं। उसके बाद कल आपको हमने ये फायर अलार्म का एक लेआउट बनवाया था, सबसे पहले हम वही लेआउट इस पे ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इस तरह से परमानेंट मार्कर्स का यूज करेंगे, ठीक है, इस टाइप का कोई भी परमानेंट मार्कर आपका हो सकता है। ये लेआउट आपको कल बनाया था, एक्सप्लेन भी किया था कि आपने कैसे बना सकते हैं लेआउट, इसी लेआउट को हम जस्ट इस पे ड्रॉ कर देंगे। तो उसके लिए सेम आप सामने देख पा रहे हैं, अब हम इस पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो उसी तरह से आप सबसे पहले यहाँ पे दो पॉइंट्स लेंगे बैटरी के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे साथ के साथ मार्किंग भी करते जाएंगे। सपोज ये हमारा पॉजिटिव है, और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद आप ट्रांजिस्टर के लिए तीन डॉट्स ले लेंगे यहाँ पे इस टाइप से कहीं भी। सपोज मैंने यहाँ ले लिया, बिकॉज आपको पता है ट्रांजिस्टर हमारा थ्री टर्मिनल डिवाइस है, तो इस तरह से आप कलेक्टर बेस एमिटर के लिए तीन पॉइंट्स ले लेंगे, डॉटेड पॉइंट्स। मैंने तीन पॉइंट्स ले लिए। उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल यहाँ पे डायग्राम में बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, तो वो मैं कर लूंगा। मैं सबसे पहले ऐसे ही सिंपली एक लाइन खींच लूंगा, उसी को फिर मैं बोल्ड कर दूंगा बाद में। ऐसे एक लाइन ले लिया, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं इस लाइन को ही बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने इसके एमिटर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है हमारे एंड की। या तो आप ये ले सकते हैं पहले, या जैसे मैंने मेरे लेआउट में पहले इस तरफ क्या लिया हुआ है, ये बजर और एलईडी को लिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ये सपोज मेरे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल है, तो मैं इसी को आगे बढ़ा लूँ हल्का सा। मैं एक लाइन की हेल्प से स्केल का यूज़ कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा बनेगा डिज़ाइन। मैंने ऐसे आगे बढ़ा लिया और यहाँ पे मैंने एक डॉट दे दिया स्ट्रेट से।
फिर उसके बराबर में ही एक और ऐसे डॉटेड पॉइंट मैंने ले लिया, उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में, तो मैं आगे बढ़ा लूंगा क्योंकि एलईडी के साथ में एक रजिस्टर भी लगा हुआ है इस सेकेंड पॉइंट को, मैं फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा ले रहा हूँ ऐसे, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लूंगा और दूसरा मैंने सपोज यहाँ ले लिया है, इस टाइप से आप देखें। तो सपोज यहाँ पे हमारा एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा इस पे, और इस पे हमारा एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हमारा 1K का रेजिस्टर है, तो इसे हमें बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें ऐसे ही, ठीक है। तो हमारी ये कनेक्शन भी अब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर का बेस 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जहां हमारी ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है वहां कनेक्ट है, जैसा कि हमने यहां भी दिखाया है, तो वो हम पहले बाद में करेंगे, ठीक है। यहां पे इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा, जैसे इसमें दिखाया आपको, यहां पे हमारा 1K का रेजिस्टर लग जाएगा। हम चाहे तो इसको थोड़ा सा नीचे ले सकते थे और उसको एक इसी तरह से जोड़ सकते थे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ बिल्कुल इसी पॉइंट पे ले दिया है रेजिस्टर का दूसरा टर्मिनल, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसको बैटरी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट करना था, तो उस ट्रैक को नीचे की तरफ लेके हम दिखा सकते थे या हमने यहाँ दिखा दिया है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, तो आप यहाँ भी ड्रिल करके पीछे की तरफ से लगा सकते हैं रेजिस्टर। उसके बाद में आप देख रहे हैं एक बजर भी कनेक्ट है इसी के पैरेलल में, तो बजर हमने जैसे यहाँ दिखाया है सर्किट में, तो आप इस तरह से यहाँ भी दिखा सकते हैं। बजर के लिए भी हमने ऐसे ही दो पॉइंट्स लिए, एक टर्मिनल आप देख रहे हैं बजर के, बजर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट है, तो हम ये हमने सपोज बजर लिया है, ये वाला बजर के लिए पॉइंट्स लिए, तो बजर का सपोज हम इसको नेगेटिव टर्मिनल मान ले रहे हैं, हम इसको बी माइनस से दिखा दें और ये हमारा बी पॉजिटिव, तो ये हमने कलेक्टर से कनेक्ट करना है, ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ये है, हम मार्किंग कर लेंगे जिससे आपको याद रहे करेक्शन करते टाइम पे, ये हमारा बेस हो गया एंड ये हमारा एमिटर हो गया, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा नीचे ले आए ऐसे एक ट्रैक की हेल्प से,
अब आप देखें बजर का नेगेटिव टर्मिनल हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर दिया, बजर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा मुझसे गलत हो गया, ये मार्किंग यहाँ होगी और ये लाइन को क्रॉस ओवरलैप करेगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपसे कभी कुछ गलत हो जाता है तो हमारे जो नॉर्मल व्हाइट बोर्ड वाले मार्कर हो सकते हैं उसे आप परमानेंट मार्कर के ऊपर चला दीजिए तो वो रफ हो जाता है, या फिर अगर कहीं से कुछ गलत हो गया है तो आप इसी स्क्रबर की हेल्प से उसको स्क्रैच करके हटा सकते हैं, बट ये ज्यादा इजी रहता है तो मैं इससे हटा ले रहा हूँ उसको। मैं इसके ऊपर ऐसे मार्कर चला दूंगा ये परमानेंट के ऊपर तो इजीली हट जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रफ हो गया है इससे, पहले मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ उसके बाद मैं लिख दूंगा मार्किंग। ये था हमारा बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बजर भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप देखेंगे ये हमारी जो पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है वो हमने अपने लेआउट में इधर दिखाई है, चाहे तो हम इधर भी दिखा सकते थे बट अब हम इसी को डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसी तरफ ले लेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसी पॉजिटिव वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले रहा हूँ, ये लाइन फिर से थोड़ा सा ओके प्रॉब्लम, मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे हम एक ऐसे डॉटेड पॉइंट दे दे रहे हैं, दूसरा पॉइंट हम यहाँ ले ले रहे हैं इसी टाइप से डॉटेड, तो यहाँ पे हमारा ये 10K का NTC थर्मिस्टर लग जाएगा, या 10K का जो NTC थर्मिस्टर होता है उसके टर्मिनल्स के बीच में गैप थोड़ा कम रहता है, मैंने यहाँ ज़्यादा ले लिया है तो मैं इसे कम भी कर सकता हूँ रफ करके। मैं इसको ऊपर ही दिखा दूँगा यहाँ पास में, फिर मुझे ये 470 ओम का एक रजिस्टर लगाना है तो मैं इस ट्रैक को आगे बढ़ा ले रहा हूँ हल्का सा ऐसे, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैं जस्ट यहाँ ले लूँ, तो यहाँ हमारा 10K का NTC थर्मिस्टर लग जाएगा। हम मार्किंग कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा 470 ओम का रेजिस्टर, और ये हमारा ये जो डॉटेड पॉइंट है ये एमीटर के लिए है और ये रेजिस्टर का नेगेटिव सॉरी रेजिस्टर का एक टर्मिनल, आप देख रहे हैं रेजिस्टर का जो ये टर्मिनल है दूसरा वाला वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, और एमिटर भी ट्रांजिस्टर का बैटरी के नेगेटिव से ही कनेक्ट है, तो मैंने इसको सेम पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है ये देखिए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद में आप देखें
हमारे यहाँ 10 के थर्मिस्टर और 470 ओम के बीच में जो ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही है, ये एक 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रांजिस्टर के बेस पर कनेक्ट किया हुआ है। तो इसे हम बेस पे कनेक्ट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बेस टर्मिनल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे मैं ऐसे एक पॉइंट ले लूंगा। कुल मिला के हमें अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग लेआउट डिजाइन करना होता है। हो सकता है कि इससे थोड़ा सा मैं डिफरेंट बना रहा हूँ, बट मेन चीज है कि हमारा डायग्राम फॉलो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप इसको एक पॉइंट यहां ले लेंगे, और इसे यहाँ पे जहाँ 470 ओम और 10 के का एनटीसी थर्मिस्टर एक दूसरे को ज्वाइन करेगा वहां पे हम ऐसे कनेक्ट करा देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा 1 के का रेजिस्टर लग जाएगा यहाँ पे। अब हमारा ये लेआउट बंद करके पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद हम इसकी इचिंग कराएंगे। उसी तरह से हम अपने डार्क एक्टिवेटेड स्ट्रीट लाइट का जो लेआउट तैयार किया है उस लेआउट को भी हम अपने इस तरह से जिस भी साइज का कॉपर क्लैड बोर्ड हमें चाहिए या पीसीबी बनानी है उतने साइज का कॉपर क्लैड बोर्ड लेकर के उस पर अच्छे से ड्रॉ कर देंगे। तो हमने पूरा ड्रॉ कर लिया है ये। उसके बाद हमें सपोज रिले के कनेक्शंस दिखाने हैं, तो जैसा मैंने बताया आपको, आप रिले को इस तरह से रख देंगे कहीं भी। रिले में मैंने बताया कि जब आप ऐसे रख देते हैं तो सामने से देखने पे ये वाला टर्मिनल, ये वाला हमारा कॉइल जो इसके अंदर होती है उसका बी टर्मिनल होता है, ये ए, ये हमारा बीच वाला पोल होता है, ये एनओ और ये एनसी, ठीक है। तो इस पे हम इस तरह से रख के ड्रॉ कर रहे हैं। अब एक चीज और है, जब हम इसको, अभी तो हम इसको इस तरह से रख रहे हैं, तो ये वाला एनओ होगा, इस तरह से एनओ होगा, ये एनसी, ये बी, ये ए और ये पोल। लेकिन जब हम इसको, सीधी सी बात है, हम डिजाइन होने के बाद में रिले को नीचे की तरफ से लगाएंगे ना, तो अभी हमने ऐसे लगाया हुआ है, अगर हम इसको नीचे की तरफ से लगाएंगे पलट के ऐसे नीचे की तरफ से, यानी इस कॉपर क्लैड बोर्ड पे हम इसको नीचे की तरफ से ही लगाएंगे, यहाँ से सोल्डरिंग होगी, तो इसके जो टर्मिनल्स हैं ये इन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अभी जो एनओ है वो हमारा एनसी बन जाएगा तब, और जो एनसी है वो एनओ हो जाएगा। कॉइल ए की जगह बी आ जाएगी, बी की जगह ए, पोल बीच में ही रहेगा। तो क्योंकि कॉइल के टर्मिनल्स के लिए तो कोई पोलैरिटी होगी नहीं, लेकिन एनओ एनसी चेंज हो जाएंगे, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना होगा। तो ये हमें देखना होता है जब भी हम ये सब डिजाइन कर रहे होते। तो मैं ऐसे रख रहा हूँ, तो अब आप देखें, इधर मेरा कॉइल ए होगा, कॉइल का ए टर्मिनल, बी, बीच में पोल, ये एनओ, ये एनसी। लेकिन इसको उल्टा करके जब नीचे से मैं लगा दूंगा तो इधर मेरा बी आ जाएगा, इधर ए, बीच में पोल, इधर अभी एनओ था पहले, अब यहाँ पे एनसी हो जाएगा और इधर एनओ, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना होगा। तो पहले मैं इसको इस टाइप से रख ले रहा हूँ, रख लिया, और मैं मार्कर से मार्क कर ले रहा हूं उसको।
ये हो गया। उसके बाद आप देखें डायग्राम में रिले का एक टर्मिनल यानी जो कॉइल टर्मिनल था, क्योंकि पोलैरिटी तो है नहीं, तो आप ए को बी से यानी बी की जगह ए या ए की जगह बी कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज ये मेरा ए है या ये मेरा बी है, ठीक है। वैसे भी जब हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये ए है ये बी है, लेकिन जब नीचे से लगाएंगे तो अपोजिट होके बी ही हो जाएगा। तो ये किससे कनेक्ट है डायग्राम में, ट्रांजिस्टर टी टू के कलेक्टर से। तो ट्रांजिस्टर टी टू का कलेक्टर हमने यहाँ लिया है, तो इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने ऐसे बढ़ाया आगे हल्का सा, उसके बाद में आप देख रहे हैं रिले का एक कॉइल, रिले की कॉइल का जो एक टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इसको मैं यहीं से बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूंगा। हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने बताया जब हम ऐसे रख कर देख रहे हैं तो इधर एनओ होगा इस तरफ एनसी, लेकिन जब नीचे से लगाएंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा। इधर वाला तब NC हो जाएगा और इधर वाला NO। तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स ले ले रहा हूँ सपोज अलग से, क्योंकि बल्ब के जो कनेक्शन करने रहेंगे फिर हम उन्हीं दो पॉइंट से बल्ब के लिए कनेक्शन दे देंगे, यानी NO और NC को हम अलग से दो पॉइंट पे कनेक्ट कर दे रहे हैं ऐसे। उसके बाद में ये मेरा पोल था, तो मैं एक स्केल की हेल्प से इसको नीचे की तरफ ले आ रहा हूँ पहले। ठीक है, और ये मेरा, क्योंकि मैंने बताया जब नीचे से उल्टा होके कन्वर्ट होगा ये, तो ये वाला मेरा NC बन जाएगा, ये NO। तो NO को मैं इससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ सीधे। इसके बाद हम इनकी मार्किंग भी कर लेंगे। ये मेरा पोल है, तो इसको हम पी से दिखा सकते हैं। ये मेरा एनओ है यानी नॉर्मली ओपन। और अब यहां भी चाहे तो कर सकते हैं। ये मेरा रिले का जो कॉइल है उसका ए टर्मिनल है, ये मेरा बी है, ये पोल है, ये
NC है, क्योंकि नीचे से की तरफ से जब आप लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये NO है। उसके बाद आप देख रहे हैं ये लाइन थोड़ा सा आके निकली हुई है, इसका कोई यूज नहीं है और हम इसको रफ कर सकते हैं उसी तरह से। गंदा लगेगा डिजाइन में इसलिए। ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है, यानी डार्क एक्टिविटेड स्ट्रीट लाइट का पीसीबी लेआउट हमने अपने कॉपर क्लैड बोर्ड पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप लेआउट ड्रॉ करते हैं पीसीबी पे वो एकदम से बोल्ड हो, दूसरा मार्कर आपने इवनली चलाया हो, ऐसा ना हो। सपोज मैंने एक लाइन खींची ऐसे, मैंने इतना मोटा एक लाइन खींचा ऐसे इस टाइप से, और देख रहे हैं आप वो बीच में से आपको कुछ खाली खाली सा दिख रहा है, ठीक है, मतलब इवनली मैंने मार्कर से उस लाइन को बोल्ड नहीं किया है। तो क्या होगा कि जब हम इचिंग करा रहे होंगे कई बार रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होने की वजह से ये गल जाता है, यानी डैमेज हो जाता है ट्रैक। तो इसलिए मार्कर आपको बहुत ही बोल्ड चलाना है, एक तो थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और मार्कर को बोल्ड चलाना है, ठीक है, बोल्ड चलाना है, ये मीन्स इवनली चलाना है, इसकी सरफेस पर अच्छी तरह से फैल जाए वो लाइन के बीच में, इस तरह से खाली हिस्सा आपको ना दिखे। इसको हम रफ कर देते हैं, ये जो मैं मार्कर से रफ कर रहा हूँ इसे आप स्क्रबर की हेल्प से भी घिस के हटा सकते हैं। ये हो चुका है। उसके बाद हम इचिंग सॉल्यूशन अपना तैयार करेंगे फेरिक क्लोराइड की हेल्प से। उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह का एक कंटेनर लेना होगा, और आपको ध्यान रखना है कि कोई जो कंटेनर आप ले रहे हैं सॉल्यूशन तैयार करने के लिए वो मेटल का ना हो, क्योंकि मेटल से रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करके कोई भी मेटल है आपका, कॉपर का कोई बर्तन हो सकता है, आयरन का या स्टील का, वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम प्लास्टिक यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, आई थिंक सफिशियंट है, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं करानी है। उसके बाद इस तरह से आपका फेरिक क्लोराइड आता है क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है, यानी पाउडर फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म, आप ये देख रहे हैं आयरन क्लोराइड, ठीक है, एनाहाइड्रस आयरन क्लोराइड। इसके बाद आप इसको ओपन कर लेंगे, थोड़े से क्रिस्टल्स डाल देंगे इस टाइप से। आप देख रहे हैं इसमें से पाउडर की फॉर्म में गिर रहा है, लेकिन इसमें गिरने की तुरंत बाद ही वो मिक्स हो जा रहा है इसमें। आई थिंक इतना सफिशिएंट है, 500 ग्राम। कि मॉइस्चर के साथ में बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है फेरिक क्लोराइड, मॉइस्चर की हेल्प में के डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है प्रेजेंस में, तो इसलिए हम इसको अच्छे से टाइटली बंद कर देंगे यूज़ होने के बाद में इस टाइप से, और बॉक्स को अपना बंद कर देंगे। इसे हम साइड में रख देते हैं, अपने हाथ को हम अच्छे से साफ पानी में पहले क्लीन कर लेंगे। उसके बाद में आप किसी फिंगर की हेल्प से या किसी प्लास्टिक की हेल्प से आप इसको, मैं यही यूज कर ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर।
तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद में हमने जो कॉपर क्लैड बोर्ड पे लेआउट्स डिज़ाइन किए थे मैं उसको इसमें डाल दे रहा हूँ, डुबो दे रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि जिस पार्ट पे मेरे ये ब्लैक कलर का ट्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं या ये जो मार्किंग नज़र आ रही है केवल वो रह जाएगा और बाकी की जो ये बीच बीच में से कॉपर है वो सारी डिसॉल्व हो जाएगी। तो हम डाल देते हैं इस टाइप से, ठीक है। आप इसको डालने के बाद में समथिंग 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे या आप अपनी फिंगर की हेल्प से इसको इस तरह से हल्का सा हिला सकते हैं जिससे रिएक्शन की जो रेट है, केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगी और ये बहुत जल्दी से जो हमारी अनडिजायर्ड कॉपर है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। यानी फेरिक क्लोराइड कॉपर का ऑक्सीडेशन कर रहा है अब इसमें, ठीक है। अभी जस्ट एक दो मिनट के अंदर ही आपको नोटिसेबल भी होगा कि साइड से, इस बोर्ड के साइड से जो कॉपर है वो इसमें डिसॉल्व होने लगी, यानी कॉपर गलने लगी है साइड से। मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक दो मिनट में। आप इसको डाल के भी छोड़ सकते हैं, इस तरह से अगर आप थोड़ा हिला लेंगे इसको, इस तरह से हिलाते रहेंगे तो ये जल्दी से रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। दूसरी को भी हम देख लेते हैं उसका क्या है, किधर गया। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे साइड से जो कॉपर है वो गल चुकी है, यानी साइड से कॉर्नर से जो अनडिजायर्ड कॉपर थी वो गल चुकी है, बीच में से अभी थोड़ा सा बाकी रह गई है। तो इसको हम कुछ देर और डाल देते हैं, उसके बाद में सारी जो कॉपर है वो निकल जाएगी। आप देख पा रहे हैं जैसे उसी तरह से बीच की कॉपर भी निकल जाएगी, केवल ये लाइन्स और ट्रैक्स या जो मार्किंग है वो रह जाएगी इस पर। अब आप देखें ऑलमोस्ट गल चुका है, जो अनडिजायर्ड कॉपर था वो ऑलमोस्ट इससे डिसॉल्व हो चुका है। बीच बीच में आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे ये आपको जो पिंक कलर में नजर आ रहा है बीच बीच में, सिर्फ उतना से हिस्से में अभी बाकी रह गया है, ठीक है। ये थोड़े से हिस्से में अभी बाकी रह गया, तो कुछ देर में ये भी हमारा निकल जाएगा। उसके बाद हम एक बार आप निकाल के देख लेते हैं, आई थिंक हो गया होगा। यस, आप देख पा रहे हैं जितनी भी कॉपर थी अनडिजायर्ड, यानी खाली वाली हिस्से में जितनी भी कॉपर थी वो सारी फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो चुकी है, केवल लाइन्स अब इस पर बची हुई है। उसके बाद में हमें ज़्यादा देर इसमें नहीं रखना होता, ये हमें लगातार चेक करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे और लंबे टाइम तक इसमें रख दूँ तो ये जो ट्रैक्स हैं ये भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बहुत लंबे टाइम बाद। तो उसके बाद हम इसे साफ पानी में डाल देंगे इस तरह से। मैं दूसरा भी देख ले रहा हूँ, यस, दूसरा पीसीबी भी हमारा तैयार हो गया है इस टाइप से, इसे भी मैं इसमें रख ले रहा हूँ। उसके बाद में ये लाइंस रह गई हैं, तो मुझे फिर से स्क्रबर की हेल्प से इसे, अब ये जो इंक लगी हुई है इन ट्रैक्स के ऊपर ये हटा देनी है। तो मैं इसको स्क्रबर की हेल्प से ऐसे हल्के से रब करूँगा, रख के कर लेता।
उसके बाद हमने इसको क्लीन करके अच्छे से साफ कर लिया है, ठीक है। आपको सिर्फ अब कॉपर के ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं और मार्किंग्स नज़र आ रही हैं, बाकी की जो कॉपर थी वो निकल चुकी है, क्लीन नज़र आ रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, अब डॉटेड पॉइंट्स हैं, यहाँ हम इस तरह की एक हैंड ड्रिल होगी उसकी हेल्प से हम होल कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, आगे से आप इसको ओपन करेंगे इस टाइप से, और इसमें 1 mm यानी 1 mm की बिट्स आती है, ठीक है। तो उस बिट को आप आगे इस तरह से लगा लेंगे पहले, हम लगा लेंगे, लगा लिए इसको अंदर इस टाइप से फंसाएंगे और आगे से इसे इस तरह से क्लोज कर देंगे। क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, जब आप इसको दबाएंगे ऐसे तो ये दब जाएगा और फिर ये वापस आ जाएगा अपनी जगह पे इस टाइप से, ऐसे जहां भी हमें होल करना है वहां हम इसको इस तरह से दबा करके होल कर सकते हैं। सपोज मुझे एक होल यहां करना है तो मैं ये देखिए ये होल हो चुका है, उसी टाइप से मैं मेरे को यहां होल करना है यहां। तो इसी टाइप से मैं सारे होल्स इसमें कर लूंगा। इस टाइप से ड्रिल की हेल्प से मैं सारे होल्स कर दूंगा, ठीक है। तो दोनों पीसीबी में हमने होल्स कर लिए हैं इस तरह से। अब हम यहाँ मार्किंग ऑलरेडी है, जैसे आपको याद भी रहेगा कि कहाँ पे क्या कंपोनेंट लगाना है। अब ये जो होल्स हैं इनमें हम ऊपर की तरफ से कंपोनेंट्स इंसर्ट करेंगे और नीचे से फिर हम सोल्डरिंग करा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सोल्डरिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने कंपोनेंट्स को इसमें इंसर्ट कर लेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो जो सपोज हमने यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव लिया है, ये रेड वाला टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो मैं टॉप साइड से इसको ऐसे इंसर्ट कर लूँगा, ठीक है, और ऐसे साइड को इसका साइड एक साइड में ऐसे मोड़ लूँगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर के लिए 3 पॉइंट्स लिए थे, ये कलेक्टर बेस एमिटर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लगा दूंगा, यानी इस होल में एमिटर है और मैं देख रहा हूँ सामने से, जब ट्रांजिस्टर को हम देखते हैं क्योंकि हम BC547 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सामने से देखने पे लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल कलेक्टर होता है, बीच वाला बेस और ये एमिटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है इसमें एमिटर इंसर्ट होना चाहिए, इसमें बेस, इसमें कलेक्टर। तो मैं इसको इस तरीके से ऊपर से टॉप साइड से इंसर्ट कर दूंगा, ये कर दिया मैंने। इनको भी मैं ऐसे साइड में हल्का सा मोड़ लूंगा, बाकी जो एक्स्ट्रा टर्मिनल्स होंगे वो मैं बाद में कटर से कट कर दूंगा सोल्डरिंग करने के बाद। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 10K का NTC थर्मिस्टर लगा हुआ है, ये मेरा थर्मिस्टर है। तो मैं इसे टॉप साइड से इस टाइप से लगा दूंगा यहाँ पे, ये मेरा थर्मिस्टर लग गया है, इसे भी इस तरह से मोड़ लूंगा। उसके बाद यहाँ एक 470 ओम का रेजिस्टर लगा है, तो मैं 470 ओम का एक रेजिस्टर ले रहा हूँ, ये मैंने ऊपर से टॉप साइड से इंसर्ट किया ऐसे, ये भी मैंने ऐसे मोड़ लिया, मेरा कनेक्टर निकल गया है, मैं उसको दोबारा से लगा लूँगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ये मेरा इसका जो ये है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, इस पर एक LED लगी हुई है, इसमें LED का पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। तो मैं ऐसे इंसर्ट कर लूँगा टॉप साइड से, ये मैंने कर दिया है, उसके बाद मैं LED के साथ एक रेजिस्टर भी लगा हुआ है यहाँ पे 1K का, तो मैं 1K का एक रेजिस्टर लगा ले रहा हूँ, ये भी मैं टॉप साइड से ऐसे इंसर्ट कर दूंगा, ये मैंने कर दिया, नीचे से मैं ऐसे बैंड कर लूँगा इनको। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एक बजर लगा हुआ है, तो बजर मेरा ये है, बजर का पॉजिटिव टर्मिनल इस होल में, नेगेटिव इसमें, तो मैं ऊपर से बजर लगा ले रहा हूँ, ये हमने बजर लगा दिया है। इन टर्मिनल्स को थोड़ा सा हम ऐसे बाहर की तरफ मोड़ लेते हैं, ये हो गया,
इधर ये मैंने मोड़ लिया, ठीक है, मेरा बजर भी लग गया। उसके बाद में आप देख रहे हैं जहाँ ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म बन रही थी 10K एनटीसी थर्मिस्टर और 470 ओम रेजिस्टर के बीच में, यहाँ पे यहाँ से 1K का रेजिस्टर लगा है ट्रांजिस्टर के बेस पे, ये आप डायग्राम में देखें तो ये हमारा यहाँ पे है, तो 1K के रेजिस्टर के अक्रॉस हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये लगा दिया इस टाइप से। उसके बाद हमने अपना एक आयरन हीट अप करके रखा हुआ है, पहले मैं ये कनेक्टर भी लगा दे रहा हूँ। ये मेरा आयरन ऑलरेडी हीट अप होके रखा हुआ है, ये मेरा सोल्डरिंग वायर है, तो अब हम सोल्डरिंग करेंगे इस पर। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं, हाँ आयरन अच्छी तरह से हीट अप है। तो सोल्डरिंग करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि हमें जो हमारी पीसीबी है उसके सरफेस पे इस तरह से आयरन को होल्ड करना होता है, पकड़ना होता है इस हाथ से ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। यानी पीसीबी और आयरन के बीच का जो ये एंगल है ये वाला, ये 45 डिग्री के समथिंग होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको टच करूंगा और सोल्डरिंग वायर अपना ऐसे टच कराऊंगा, ये सोल्डरिंग हो गई, यहाँ पे इसको टच करके रखूंगा, हल्का सा वायर टच कर दूंगा, ये भी मेल्ट होके यहाँ पे सोल्डर हो गया, मैं यहाँ पे इसको सोल्डर कर दूंगा इसी तरह से, ये भी सोल्डर हो चुका है, मैं इसको कर दूंगा, ये भी सोल्ड हो चुका है, यहाँ पे मैं कर दूंगा, जैसे आपका सोल्डरिंग वायर कम यूज हो उसके लिए आप पेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। मैं भी जस्ट ऐसे ही कर दे रहा हूँ, पेस्ट का यूज नहीं किया मैंने। पेस्ट या उसको फ्लक्स हम बोलते हैं। इस तरफ से मेरा नेगेटिव टर्मिनल निकल गया बाहर, मैं इसको वापस लगा दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला टर्मिनल है मेरा, मैं इसको भी ऐसे सोल्डरिंग कर दूंगा। अब जो ये एक्स्ट्रा टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, पहले मैं इनको कट कर ले रहा हूँ, सोल्डरिंग करने में थोड़ा सा आसानी रहेगा। ये मैंने कट कर दिया, ये सोल्डर हो चुका है, ये भी कट कर दिया, ये भी मैं कट कर ले रहा हूँ, ये भी, इनको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ। अब मैं इनकी सोल्डरिंग करा दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं लगा दिया ये, इसको भी कनेक्ट कर ले रहे हैं। हमारी सारी सोल्डरिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, ये एक्स्ट्रा टर्मिनल्स मैं कट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा सर्किट अब बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है, उसकी पीसीबी डिजाइन हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं पीछे से ये इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं, हमने अभी सोल्डरिंग किया था तो इसका जो थर्मिस्टर है वो ऑलरेडी थोड़ा सा हीट अप है, इसलिए आपको ये डायरेक्ट ग्लो करता हुआ दिखा। अब ये हमारा बन के तैयार हो चुका है, तो ये फायर से सपोज यहाँ पे अब आग लगेगा, पिछले जब हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था ब्रेडबोर्ड पे उसी तरह से ये वर्क करेगा। तो जैसे ही इसके आसपास कोई आग या फायर होगी तो
उसकी वजह से, क्योंकि ये एनटीसी थर्मिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है, और करंट ज़्यादा फ्लो होगी जो कि ट्रांजिस्टर के बेस को हाई कर देगी, यानी ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुँचेगी सफिशियंट अमाउंट में करंट, जितना भी हमें रिक्वायर्ड है ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा जिससे हमारी एलईडी और बजर ऑन होंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। मैंने मैच बॉक्स लिया, उसको हीटअप किया हल्का सा, पास में लेके गए हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारा बजर बज रहा है और रेड एलईडी भी ऑलमोस्ट ऑन हो गई है, ठीक है, इस टाइप से। जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा एनटीसी के केस में इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है, ठंडा होने पे बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब देखो बंद हो चुका है, मैं अपने आयरन से भी हीट कर सकता हूँ उसको हल्का सा, आयरन पास में लेके आया, आप देखिए, ठीक है, धीरे धीरे एलईडी ग्लो कर रही है, और जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा मेरा बजर भी ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फायर अलार्म की पीसीबी डिजाइन कर ली है, जो कि पीछे से कुछ इस तरह का दिख रहा है आपको।